16 मई से मलमास शुरू हो चुका है। मलमास को अधिक मास और पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। आपको बता दें कि भारतीय ज्योतिष और सूर्य मास और चंद्रमास की गणना के आधार पर चलता है। मलमास चंद्र वर्ष का एक अतिरिक्त भाग है जो हर 32 माह 16 दिन और 8 घटी के अंतर से आता है। पंचांग के हिसाब से 3 वर्षों तक तिथियों का क्षय होता है और वो माह तीसरे वर्ष में अधिक मास के रूप में शामिल हो जाता है। सौर वर्ष और चंद्र वर्ष में 11 दिन का अंतर होता है। यह अंतर 3 वर्ष में 33 दिन के बराबर होता है। इसी 30 दिन को लेकर मलमास की उत्पत्ति होती है और हर चौथे वर्ष में एक महीना मलमास के रूप में रहता है। यह मलमास में चूँकि 12 राशि हैं और सूर्य प्रत्येक राशि में एक महीना रहते हैं और एक राशि से दूसरे में जाने में जो परिवर्तन होता है उसे संक्रांति कहते हैं। इस तरह मलमास को संक्रांति यानी सूर्य वहाँ गमन नहीं करते हैं इसलिए नहीं होता है। इसलिए ऐसी कथा है हमारे यहाँ कि वो मलमास दुखित होकर कि मेरा स्वामी नहीं है भगवान विष्णु के पास गए। विष्णु उन्हें लेकर के गोलोक गए जहाँ भगवान कृष्ण थे। कृष्ण ने उनकी विपदा को सुना और उन्होंने कहा कि आज से मैं आपका स्वामी हूँ। और कर्मकांड में भले ही मलमास अशुद्ध माना जाता हो लेकिन अध्यात्म में यह प्रबल होगा और मैं आपको शिरोधार करता हूँ और ये पुरुषोत्तम नाम से ये मानता हूँ। शास्त्रों में मलमास के महीने का विशेष महत्व होता है। इस माह में पूजा करने से कई गुना अधिक फल की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में मलमास में कई तरह के नियम बताए गए हैं। इस माह में कुछ काम करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है तो वहीं कुछ काम को करना मना है। काम कर्म से हम चाहे अपने लिए लाख सुविधाएं जुटा लें लेकिन सारी इच्छाओं की पूर्ति संभव नहीं। अतृप्त इच्छाएं हमें अशांति के भंवर जाल में डाल देती हैं जिससे हमारा जीवन बेहाल हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ आध्यात्मिक कार्य हमें संतुष्टि प्रदान करती है जिससे हमारा जीवन शांतिमय और सुखमय हो जाता है। ऐसे में पुरुषोत्तम मास के रूप में मलमास हमारे लिए बड़ा ही उपयोगी होता है क्योंकि इस समय काम कर्म निषिद्ध होते हैं जबकि आध्यात्मिक कर्म के फल दुगुनित होकर हमें जीवन में सुख शांति देते हैं जिससे यह जीवन तो सुखमय होता ही परलोक भी सुधर जाता है और यहाँ तक कि मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। दुमका से पंजाब केसरी के लिए वीरेंद्र कुमार झा।